हे गाइस, तो ये जो वीडियो है ये न्यूज़ फटाफट है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक इंटरनल न्यूज़ आई है। इंटरनल न्यूज़ का मतलब क्या होता है? जो न्यूज़ हम तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये शायद मीडिया वालों लोगों ने लाया है। अगर ये न्यूज़ सच होती है तो इतना याद रखिए, ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के आसपास जाते हुए नज़र आ सकता है। ये अगर न्यूज़ सच होती है तो ये 100% गारंटी नहीं है कि ये जो न्यूज़ है वो 100% सच है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना याद रखिएगा कि स्टॉक जो है अराउंड फिर से जो है ये 2000 को पार करते हुए नज़र आएगा, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन खबर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्री का एक ऐसा न्यूज है जो लीक हो चुका है। तो देखिए, ये जो खबर है एक खबर की तरह ही लीजिएगा, सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि 100% गारंटी नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो कमेंट करने से पहले कुछ भी हो, आप पूरी तरीके से आप मार्केट में या आप इंटरनेट में ढूंढ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर भी हो सकता है, इंटरनल न्यूज़ है। नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूँ निहारिका। क्या देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी बीमार हैं? अंबानी के बीमार होने या नहीं होने पर उनके परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, पर सोशल मीडिया पर उनके बीमार होने की बात उड़ रही है, जिससे रिलायंस कंपनी को भारी घाटा हो रहा है। उसके शेयर के भाव भी गिर गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में गिरावट का मुख्य कारण मुकेश अंबानी की बीमारी की अफवाह को ही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुकेश अंबानी की हालत खराब है। हालांकि इस मामले में रिलायंस ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। दरअसल पिछले 15 दिनों से यह खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि मुकेश अंबानी की हालत खराब है। उनका लंदन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। उनका वजन 30 किलो घट गया है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इसी वजह से अंबानी परिवार आईपीएल में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते ही देश के दिग्गज वकील हरीश सालवे की शादी में मुकेश अंबानी ने वेबिनार के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई थी। मुकेश अंबानी स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के बड़े पुत्र हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल तो आप लोगों ने खुद से देखा, ये इंटरनल न्यूज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रिलायंस को बेच के निकल जाना है। लेकिन अगर ये न्यूज़ सच होता है तो रिलायंस में अभी आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर ये न्यूज़ सच नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दी ये 2000 के पार जाते हुए नज़र आएगा, 2100 के आसपास, ये आप जल्दी देखिएगा, सही है। अब ये तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा, अगर कोई न्यूज़ लीक होती है या चारों तरफ से किसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई खबर आती है, तो ऐसे हेल्थ के बारे में या किसी भी तरीके से आती है, तो क्योंकि अगर आप चारों तरफ से इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखोगे तो किसी भी वजह से किसी भी तरफ से अगर आप देखोगे तो इसका जो है क्वार्टर रिजल्ट को ही दोष दिया जा रहा है, क्वार्टर रिजल्ट को ही दोष दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इतना भारी गिरावट देखने को मिला, अगर कंटिन्यू एक या दो दिन इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल गया तो आप समझ जाइए कि ये न्यूज़ सच हो सकती है। धीरे धीरे अगर कंटिन्यू दो तीन दिन तक ऐसे गिरावट होता स्टार्ट हो गया तो अब उसके बाद बात करते हैं जस्ट डायल के बारे में। देखिए, जस्ट डायल में आप लोगों को काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था, लगभग 700 के आसपास जाने वाला स्टॉक आज के रेट में लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बेचना नहीं है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। हालांकि मैंने खुद अपने कस्टमर को भी खरीदने के लिए दिया था, लगभग 380 रुपीज़ के आसपास दिया था खरीदने के लिए, और लगभग ये स्टॉक 4 to 5 मंथ ले लिया। 4 to 5 मंथ के बाद जो है ये स्टॉक ने पैसा डबल किया। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी ये स्टॉक जो है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये वापस जो है चलना स्टार्ट करेगा, इतना याद रहेगा। 1 महीने भी टाइम ले सकता है या 2 महीने भी टाइम ले सकता है, लेकिन चलेगा ये स्टॉक। इस वजह से मैं आपको बोलूंगा, होल्ड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक को, जल्दी में जल्दबाजी में बेचने की कोशिश ना करें, और बाय ऑन डीप अगर आप करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं UPL के बारे में। देखिए, UPL एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी भी है। अगर इसके बारे में बताऊं तो इसका टारगेट जो है काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। इसका क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत खास है और बहुत अच्छा भी है, सही है। तो इसका क्वार्टर का रिजल्ट से भी इसका टारगेट भी ज़्यादा बताया जा रहा, कभी 600 के आसपास बताया जा रहा, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताया जा रहा। तो मेरे ख्याल से अब UPL काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अब इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आप लोगों को जो है खरीदना चाहिए, और जब मौका मिले तो बाय ऑन डिप करना चाहिए। यही वो स्टॉक है जो 500 से अभी गुजर रहा, 500 के आसपास, तो जल्दी ये 600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और बोनस या स्प्लिट देने के बाद ये स्टॉक का प्राइस और थोड़ा नीचे आ चुका था, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका रहेगा इसको खरीदने के लिए। और इसका क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। यहाँ पर देख लीजिए, UPL जो क्वार्टर टू रिजल्ट बताया जा रहा है, नेट प्रॉफिट जंप 166%,
रेस 537 करोड़, रेवेन्यू रेस 14% के आसपास। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था और वैसे भी केमिकल सेक्टर बहुत अच्छे और ख़ास भी चल रहे हैं। हालांकि देखिए ये जो रिलायंस बारे में जो न्यूज़ आया है इसके बारे में 100% कोई गारंटी नहीं है, ये एक अफवाह की तरह भी हो सकता है या तो ये एक इंटरनल न्यूज़ भी हो सकती है, इंटरनल न्यूज़ भी हो सकती है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी ना हो। अब कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक कोई एक्शन लेने का काम मत कीजिएगा। अगर सच्चाई सामने आती है तो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको फ्री में दिया जा रहा है, फ्री के साथ साथ आप लोगों को धीरे धीरे नॉलेज भी दिया जाएगा। वैसे भी एंजल जीरो जैसे जो प्लेटफॉर्म है अच्छे वाले प्लेटफॉर्म जहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। यहां पर एक ग्रुप है जहां पर आपको बताया जाता है क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब आपको बताया जाता है। तो डीमैट अकाउंट फ्री में हो जाएगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, ये नॉलेज वगैरह आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा। ये एंजल का ग्रुप है, आपको एंजल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। केवल 20 रुपीज आपसे लिया जाता है, वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगह लिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।